परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ। सदर विधायक मनीष असीजा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। जनपद फिरोजाबाद में परिवहन विभाग द्वारा आज से लेकर 31 तारीख तक चलने वाला सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसकी शुरुआत देहली पब्लिक स्कूल दौलतपुर से शुरुआत की गई, जहाँ सदर विधायक मनीष असीजा ने शुभारंभ किया, जिससे स्कूल के बच्चे के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई। साथ ही सड़क पर किस तरह चलना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शहर में लगी ट्रैफिक लाइटों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही बरसात के मौसम के चलते स्कूल में सदर विधायक एवं एआरटीओ राजेश करदम, आरआई अखिलेश यादव ने स्व वृक्षारोपण भी किए, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शुद्ध हवा भी मिल सके। आज आपको बताइए, 17 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारे परिवहन विभाग द्वारा आज सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आरंभ किया गया, और जिसके आज जितने स्कूल के प्रांगण में ये हमने मनाया, हमारे माननीय विधायक जी मनीष असीजा जी आए और उन्होंने इस कार्यक्रम का शुरुआत कराई है, शुभारंभ करें। निसंदेह हम प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य करेंगे, जैसा कि हमारे समस्त निर्माण एजेंसी से वो सारे गोल्डी उसके नोडल हैं, वो कराएंगे, सभी जगह मनाएंगे। नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, परिवहन है, सब लोग मिलकर, शिक्षा विभाग है, सभी लोग मिलकर अलग अलग रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे। आप देखेंगे समय समय पर हम प्रोग्राम अपने वाले समय में अवश्य करेंगे, जिससे कि हमारे शहर में जो सड़क दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको हम कम करने में, अगर हम 1% भी कम कर रहे तो हमारी उपलब्धि होगी। ये हम इस बार का सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो हमारा सफल रहा, इसी उद्देश्य के साथ में हम ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रहे हैं। सर, वृक्षारोपण का कार्यक्रम का भी इसलिए कि आप सभी लोगों को बताएंगे, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 तारीख को पूरे प्रदेश में 30 करोड़ से ऊपर पौधारोपण किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम 100-200 पौधे लगाते जरूर हैं। आज हमने 100 पौधे मंगवाए, माननीय विधायक जी द्वारा भी आज एक पौधारोपण किया है, और यह भी रहता है कि उस याद में कि आज हमारे माननीय विधायक जी आए हैं तो एक यादगार बनी रहती है। पौधारोपण वृक्षारोपण चल भी रहा है, उसके बाद में 5 करोड़ जो है 15 अगस्त को भी लगाने हैं, तो 15 अगस्त तक भी सारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ भी हम जाएंगे पौधे साथ लेके जाएंगे और पौधे अवश्य लगाएंगे, जिससे कि वृक्षारोपण के और स्कूल्स कॉलेजेस में इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रह सके। स्कूल कॉलेजों में लगाने का जो उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखभाल बहुत अच्छी हो जाती है, और इसलिए हम जो है स्कूलों में पौधे। ये पखवाड़ा कितने दिन चलेगा सर? पूरा लगभग 15 दिन का है, 17 तारीख से 31 जुलाई तक है। देखिए, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा एक अपने आप में सामाजिक उद्देश्य से चलाए जाने वाला सरकारी सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि सड़क सुरक्षा अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करती है तो हम सब हमारे नागरिकों को करती है। तो आज यहाँ DPS स्कूल में बड़ी अच्छी यहाँ पर एक विचार गोष्ठी हुई, यहाँ ARTO साहब थे, PWD के XEN साहब थे, यहाँ हमारे TI साहब थे, विद्यालय परिवार से जो विद्यालय के संचालक हैं और जो विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं वो भी थे, और बड़ी संख्या में जो मैं समझता हूँ 11वीं और 12वीं की छात्र छात्राएँ थीं। करीब 1.5-2 घंटे चली इस विचार गोष्ठी में, प्रत्येक बिंदु पर बच्चों के साथ इस बात को बांटा गया कि क्योंकि सड़क सुरक्षा केवल एक पक्ष से नहीं हो सकती, अगर शासन या व्यवस्था है वो अगर काम करेगी तो इस पर चलने वालों को भी अपना हिस्से का काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत समाज उपयोगी एक बैठक थी। इसके अलावा इसके साथ साथ ही अब जैसा आप जानते हैं कि बरसातों का समय चल रहा है, तो यहाँ एक वृक्षारोपण भी हम सब लोग कर रहे हैं। आप सब लोगों ने जो अपने चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग करी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित प्रचारित करने से भी इस पखवाड़े की जो उद्देश्य परखता है उसको बल मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार।